Yes, typography students, class 11, typography students. Today we will start chapter 3, and the chapter 3 is related to storage devices, input devices, output devices. तो आज के chapter में, आज के topic में जो हम cover करने वाले हैं, देखिए क्या cover करेंगे chapter 3 में हम आज स्टोरेज डिवाइसेस को कवर करेंगे. लेट्स ओपन चैप्टर 3 एंड द टॉपिक इज स्टोरेज डिवाइसेस. ये देखिए चैप्टर 3, इसमें हम स्टोरेज डिवाइसेस को स्टार्ट करने वाले हैं. सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है ये चैप्टर. हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर. ऑल ऑफ यू नो दैट जो हार्डवेयर है वो क्या है, फिजिकल कंपोनेंट्स है, फिजिकल पार्ट्स हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जो विजिबल भी हैं, जिनको आप टच करके देख सकते हैं. फिजिकल कंपोनेंट्स का मतलब जिनको आप देख सकते हैं और साथ साथ उनको टच भी कर सकते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं. हार्डवेयर इंक्लूड स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस एंड अदर फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. नाउ द हार्डवेयर इज नॉट चेंज्ड फ्रीक्वेंटली. जब हम किसी कंप्यूटर के साथ किस तरह का कोई हार्डवेयर जो कनेक्ट कर देते हैं, उसको हम इतनी जल्दी जल्दी जो है चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि उसका जो एक लाइफ टाइम है वो काफी लॉन्ग रहता है. जबकि हम सॉफ्टवेयर्स की और डेटा की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेटा हमारा वो जो है फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है. तो देखिए स्टोरेज डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लॉपी डिस्क को. फ्लॉपी डिस्क देखिए, ये जो आपको ये जो डिवाइस नजर आ रही है, ये ऐसी डिवाइस है जो हमारी अगर हम बात करें 20-25 ईयर्स बैक की बात करें, इससे पहले बहुत टाइम पहले, कई सालों पहले, बिफोर 20 ईयर्स अगो, दीज टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस यूज टू स्टोर द डेटा. जैसे कि आज के टाइम पे कॉमन आप यूज करते हैं पेन ड्राइव को यूज करते हैं, इसी तरह से उस टाइम पे ये जो डिवाइसेस हैं डेटा को स्टोर करने के लिए, इस तरह की फ्लॉपी डिस्क को यूज किया जाता था. अब ये फ्लॉपी डिस्क क्या होती थी, प्लास्टिक टाइप मटेरियल की बनी होती थी, और इसमें क्या होता था, प्लास्टिक जैकेट होती थी, और इसके अंदर जो एक्चुअल में टेप है, मैग्नेटिक टेप होती थी जिसके ऊपर डेटा हमारा स्टोर होता था. एंड इट इज 3.5 इंच इन अ डायमीटर. एक्चुअल में इस जो फ्लॉपी का जो डायमीटर होता था वो क्या होता था, 3.5 इंच का डायमीटर होता था. और इसकी ड्रॉबैक होती थी, इसमें जो डेटा है वो 1.44 मेगाबाइट्स का, मीन्स 1.44 एमबी का डेटा ही हम 3.5 की फ्लॉपी में सेव कर पाते थे. बहुत कम थी इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, बहुत कम. आप ये मान करके चल सकते हैं कि इसमें जो डेटा सेव होता था वो अराउंड आप मानेंगे कि 2 या 3 वर्ड की फाइल्स बस, और वो भी बहुत छोटी छोटी, ज्यादा साइज में बड़ी ना हो, या फिर कोई एक पीपीटी आपने सेव कर ली छोटी सी, इस तरह से आप थोड़ा सा डेटा इसमें सेव कर सकते थे. और इसका यूज क्या होता था, जस्ट डेटा को क्या करना है, एक्सचेंज करना है सिस्टम टू सिस्टम, उसको ट्रांसफर करना है, तो हम क्या करते थे, इस तरह की फ्लॉपी डिस्क के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करते थे. बेटा पहले के टाइम में क्या होता था, काफी टाइम पहले, जब 20 ईयर्स बैक की बात कर रहे हैं, 25 ईयर्स बैक की बात करें, तो उस टाइम पे इंटरनेट वगैरह, मैसेजिंग वगैरह यूज नहीं होती थी. हम कॉमनली डेटा को इस तरह से इंटरनेट के थ्रू, व्हाट्सअप वगैरह उस टाइम पे, जीमेल ईमेल वगैरह के थ्रू डेटा जो है कॉमनली शेयर नहीं होता था. कंपनीज वगैरह में बिजनेस पर्पस के लिए ये सारी चीजें यूज होती थी, ऐसे पर्सनली हम जनरल पर्पस के लिए इस तरह से इंटरनेट वगैरह को यूज नहीं किया करते थे. ऐसी फैसिलिटीज भी हमारे पास नहीं होती थी. किसी किसी के पास कंप्यूटर होता था, और स्मार्टफोन की तो बात ही बात करें तो वो तो किसी किसी के पास होता था. तो इस तरह की स्टोरेज डिवाइसेस हमारी डेटा को एक्सचेंज करने के लिए यूज होती थी. और ये स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती थी, काफी चीप होती थी और पोर्टेबल भी होती थी. हार्डली ये 10 या 15 की प्राइस में अवेलेबल हो जाती थी, और इनको हम पॉकेट वगैरह में डाल करके इधर उधर कैरी भी कर सकते थे. ना द फ्लॉपी इज अ लो कॉस्ट डिवाइस पर्टिकुलरली स्टेबल फॉर पर्सनल कंप्यूटर सिस्टम. हम अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए, जैसे ऑफिस से हमें घर पे डाटा लेके आना है, डाटा घर से हमें ऑफिस में लेके जाना है, तो जनरली हम इस तरह से फ्लॉपीज को यूज किया करते थे. तो ये हमारी स्टोरेज डिवाइस थी काफी टाइम पहले जो यूज होती थी. आज के टाइम पे तो फ्लॉपी डिस्क जो है ही नहीं.
इससे इसके बाद जो हमारी आई मार्केट में डेटा को इधर उधर एक्सचेंज करने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, वो थी सीडीज और डीवीडीज। आप देखेंगे कि सीडीज और डीवीडीज भी अब आउटडेटेड हो चुकी हैं। आज के टाइम पे जो डिवाइस हमारी स्टोरेज डिवाइस यूज होती है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस, वो है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव के अलावा हम कुछ और यूज ही नहीं करते। और आजकल तो हमारा डेटा जो है फोन में भी बहुत सारा ट्रांसफर हो जाता है, हम उसको फोन में भी सेव कर लेते हैं। स्मार्टफोन भी आजकल हमारा उसी के लिए यूज किया जा रहा है ज्यादातर। अब नेक्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हैज अ मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ फ्लॉपी डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है। अगर हम फ्लॉपी डिस्क की बात करें और हार्ड डिस्क को कंपेयर करें, तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी का जो आप कहें कि हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो तो टीबीज में होती है, जीबीज में होती थी पहले भी। जो पुराने टाइम में हार्ड डिस्क अवेलेबल होती थी वो भी अराउंड 10 GB की हार्ड डिस्क मिनिमम अवेलेबल होती थी, लेकिन फ्लॉपी डिस्क जो होती थी 1.44 MB में, मतलब उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो MB में थी, और हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी थी वो 10 GB 20 GB इस तरह से अवेलेबल होती थी। उसके बाद जो है जैसे जैसे हमारे कंप्यूटर्स जो हैं, प्रोसेसर्स जो हैं, वो अपडेट होते चले गए, उसी तरह से हमारी हार्ड डिस्क, रैम, ये भी हमारी एक्सटेंड होती चली गई। अब देखिए, हार्ड डिस्क हैज अ मच लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन अ फ्लॉपी डिस्क। यस, इट इज फिटेड इन साइड द कंप्यूटर एंड कैन नॉट बी सीन बाय अस। एक्चुअल में जो हार्ड डिस्क होती है वो कंप्यूटर के अंदर ही फिट कर दी जाती है, और हम उसको ओपनली हार्ड डिस्क को बाहर से, आउटसाइड से देख नहीं सकते हैं। आपको हार्ड डिस्क को अगर देखना है तो आपको कंप्यूटर में सीपीयू को ओपन करना पड़ेगा। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर प्लेटर्स डिवाइडेड इनटू कंसेंट्रिक ट्रैक्स एंड सर्कल्स। देखिए, इस लाइन को समझने के लिए आप कंसीडर कीजिए कि जो हार्ड डिस्क है ना, हार्ड डिस्क में बहुत सारे प्लेटर्स होते हैं। आप अपनी फिंगर लीजिए या कोई स्टिक लीजिए, उसपे बहुत सारी 10-12 CDs उठाइए और वन बाय वन उसमें स्टैक करते जाइए। उस स्टिक के अंदर सीडीज को, जो होल बना होता है सीडी में सेंटर में, उस होल के थ्रू सीडीज को पुट करते जाइए, एक के ऊपर एक डालते जाइए। तो वो उन ओन सीडीज को हम कंपेयर कर सकते हैं हार्ड डिस्क के प्लेटर्स से। इसी तरह से हार्ड डिस्क में काफी सारे प्लेटर्स होते हैं, और डेटा हमारा एक्चुअल में जो सेव होता है वो क्लस्टर्स में सेव होता है। अब आप कहेंगे कि प्लेटर्स क्या है। प्लेटर्स एक सिंगल प्लेट है हार्ड डिस्क पे, और एक सिंगल प्लेट ही नहीं होती है हार्ड डिस्क में, काफी सारे प्लेटर्स होते हैं, कई सारे प्लेटर्स हैं। अब उन प्लेटर्स में क्या होता है, वो सारी प्लेटर्स ट्रैक्स क्या होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक सर्कल, फिर आउटसाइड सर्कल, फिर आउटसाइड सर्कल, इस तरह से ट्रैक्स बने होते हैं, और फिर वो ट्रैक्स जो हैं फर्दर सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। इस तरह से ट्रैक्स हैं, और वो ट्रैक्स फिर ऐसे करके इस तरह से सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं, सेक्टर्स, और उन सेक्टर्स पे क्लस्टर्स होते हैं, डाटा हमारा क्लस्टर्स में सेव होता है। एंड जो हार्ड डिस्क है, प्लेटर्स हैं, वो क्या होते हैं हार्ड डिस्क में, वो एक स्पिंडल के थ्रू सारे के सारे माउंटेड होते हैं, लाइक अ स्टैक। इट कैन बी रीड बाय अ रीड राइट हेड दैट फाइबर्स अक्रॉस द रोटेटिंग डिस्क। एक रीड राइट हेड होता है जो, देखिए आप, मैं माउस पॉइंटर को मूव करें, इस तरह से रीड राइट हेड जो है ऐसे करके इस तरह से मूव करता रहता है, ऐसे ऐसे चलता है रीड राइट हेड। क्या, किस लिए चलता है, डेटा को रीड करने के लिए हार्ड डिस्क से। इस तरह से रीड राइट हेड ऐसे मूव करता रहता है। द डेटा इज स्टोर्ड ऑन द प्लेटर्स कवर्ड विद मैग्नेटिक कोटिंग। डेटा क्या होता है, प्लेटर्स में क्या है, कवर्ड रहता है, और जो प्लेटर्स होती है ना, प्लेटर्स में ही सेव होगा क्लस्टर्स पे जाकर के, लेकिन जो प्लेटर्स होते हैं वो मैग्नेटिक कोटिंग के होते हैं, मैग्नेटिक कोटिंग से जो है कवर्ड होते हैं। अब आज के टाइम पे जो हार्ड डिस्क अवेलेबल है, आज के टाइम की हार्ड डिस्क का जो कैपेसिटी है वो तो काफी सारी है बेटा। जनरली आप एक पीसी, एक सिंपल पीसी लेकर के आते हैं, एक लैपटॉप लेकर के आते हैं, उसकी कैपेसिटी क्या होती है हार्ड डिस्क की, वो मिनिमम आपकी 1 TB में आपको हार्ड डिस्क अवेलेबल होती है आजकल लेटेस्ट सिस्टम में, ठीक है। ये हमारी स्टोरेज डिवाइस थी हार्ड डिस्क। इसके बाद एक और कवर कर लेते हैं छोटी सी, जो हमारे डिवाइसेस हैं, सीडीज हैं। देखिए, हार्ड डिस्क का आप इस तरह से, देखिए पिक डायग्राम देख सकते हैं। हार्ड डिस्क आपने इस तरह से कभी ना कभी लैब में जरूर देखी होगी, नहीं देखी होगी तो घर पे जरूर कहीं ना कहीं देखी होगी। और बॉयज तो जनरली एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, उनको तो पता ही रहता है कि हार्ड डिस्क है, ये रैम है, वो इन चीजों को यूज करते रहते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करें तो हम सीडीज की बात कर रहे हैं। तो कॉम्पैक्ट डिस्क और सीडी आर ऑप्शनल मीडिया।
ऑप्टिकल मीडिया, सॉरी, ये ऑप्टिकल मीडिया है एंड द सीडीज आर चीप एंड हैव अ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 700 MB. जो सीडीज हैं उनकी 700 MB तक की स्टोरेज कैपेसिटी होती है. और सीडीज क्या होती हैं, आपकी थ्री टाइप्स की सीडीज अवेलेबल होती हैं, सीडी रोम होती है, सीडीआर होती है और सीडीआरडब्ल्यू होती है. तो देखिए सीडी रोम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब कि इस पर्टिकुलर सीडी पे अगर आप डेटा को, इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं तो उनको बस एक बार स्टोर कर दिया, बार बार उसको डिलीट करके दोबारा से न्यू कंटेंट्स को हम उस पर स्टोर नहीं कर सकते हैं. सीडीआर का मतलब है कि रिकॉर्डेबल है, डेटा कैन बी रिकॉर्डेड ऑन दीज डिस्क ओनली वंस. इनमें भी क्या है, डेटा को हम एक ही बार रिकॉर्ड जो है कर सकते हैं और उसमें बार बार रीराइट नहीं कर सकते डेटा. मेनली जो रीराइट टेबल सीडीज होती हैं उनमें हम डेटा को इरेज करके दोबारा फिर से उसमें सेव कर सकते हैं. इसके बाद है डीवीडीज. डीवीडीज भी बिल्कुल सीडीज की तरह है लेकिन इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है, वो बढ़ जाती है, वो 4.7 GB से लेकर के 17 GB तक की इनकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है. इस तरह से जो डीवीडीज हैं वो भी आपकी थ्री टाइप्स की अवेलेबल होती हैं, डीवीडी रोम होती है, डीवीडी आर है और डीवीडी आर डब्ल्यू है. रोम का मतलब है कि ये काफी सारा इसमें डेटा आप डाल सकते हैं लेकिन एक बार बस स्टोरेज कैपेसिटी, एक स्टोरेज पर्पस के लिए इसमें बार बार आप डेटा को जो है रीस्टोर नहीं कर सकते हैं. लेकिन रिकॉर्डेबल है, रिकॉर्डेबल में भी आप क्या करेंगे, एक बार रिकॉर्ड कर देंगे बट इसमें बार बार डेटा को रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है, रीड बहुत बार किया जा सकता है. इसी तरह से आरडब्ल्यू का मतलब है कि रीड, आपने डेटा को एक बार राइट किया, फिर दोबारा राइट किया मीन्स इरेज करके वापस उस डेटा को आप क्या कर सकते हैं, बार बार स्टोर कर सकते हैं न्यू डेटा को डीवीडी आरडब्ल्यू में. ठीक है, तो ये हमारे डीवीडीज जो हैं थ्री टाइप्स की होती है, सीडीज भी हमारी थ्री टाइप्स की होती हैं. इसके बाद है पेन ड्राइव. पेन ड्राइव आप सभी को पता है क्या है, पेन ड्राइव दे आर टाइनी डिवाइसेस, ये छोटी छोटी डिवाइसेस हैं विच आर अबाउट द साइज ऑफ स्मॉल पेन एंड विच प्लग इन टू एन यूएसबी पोर्ट. आप सभी को पता है कि पेन ड्राइव का कहाँ पे पोर्ट, इसका पोर्ट कैसा होता है, यूएसबी पोर्ट होता है एंड दे वेरी इन कैपेसिटी एंड कैन स्टोर 1 GB एंड अप टू 1 TB. 1 GB से लेकर के 1 TB तक की इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है एंड ड्यू टू देयर साइज दे आर मोर कन्वीनियंट एंड कॉम्पैक्ट फॉर बैकअप एंड ट्रांसफरिंग डेटा. इनका साइज जो होता है ना, जो पेन ड्राइव्स का, वो काफी कन्वीनियंट रहता है और ज्यादातर हम इसको बैकअप वगैरह लेने के लिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इनको हम यूज कर लेते हैं एंड दे आर फ्री फ्रॉम स्क्रैच एंड डस्ट प्रॉब्लम्स दैट एग्जिस्ट इन अदर स्टोरेज मीडिया. एक्चुअली जो पेन ड्राइव है हमारी, इसमें क्या रहता है कि सेफ्टी रहती है कि इसमें किसी तरह के स्क्रैच नहीं पड़ते हैं, इंटरनली डस्ट वगैरह नहीं जाती है और जल्दी जल्दी हमारी ये पेन ड्राइव्स जो हैं खराब होने के चांसेस नहीं होते हैं. लेकिन अगर हम सीडीज और डीवीडीज की बात करें तो उन पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो हम उन सीडीज और डीवीडीज को यूज़ नहीं कर पाते हैं, वो हमारी डैमेज हो जाती है सीडीज डीवीडीज. अगर हम फ्लॉपी डिस्क की बात करें तो फ्लॉपी डिस्क भी पुराने टाइम पे ऐसे ही हुआ करती थी. ये देखिए ये जैकेट आपको नजर आ रही है ना, ये जब ओपन होती थी कंप्यूटर के अंदर जा करके तो समटाइम क्या होता था, यहीं से क्या होता था, डस्ट जो है इस फ्लॉपी डिस्क के ऊपर जो टेप होती थी उसके अंदर जो है इंसर्ट हो जाती थी, डस्ट उसके ऊपर आ जाती थी और थोड़े से टाइम चलने के बाद उसके बाद ये फ्लॉपीज जो है खराब हो जाती थी सिर्फ डस्ट की वजह से. ठीक है, तो ये आज जो हमने डिस्कस किए हैं स्टोरेज डिवाइसेस, इनको आप लर्न कीजिए. और भी डिवाइसेस हैं इनको, अब जो इसके बाद डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो आज के लेक्चर में जो हमने ये डिवाइसेस कवर की हैं इनको आप अच्छे से लर्न कीजिए और रिवाइज कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए. ओके, बाय बेटा.